बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जी वेरिएशन को डिस्कस करेंगे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो किन किन फैक्टर्स से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। देखें, अगर सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले को देखें, जी के फॉर्मूले को, तो वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इफ यू राइट W इज इक्वल टू mg, सो mg इज gmem ओवर R square। और अगर बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पर हो तो हम R को रिप्लेस कर सकते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ से। इन जनरल G इज इक्वल टू gmem ओवर R square। दिस इज फॉर अ बॉडी एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ पर हो तो R इज इक्वल टू R, गिव्स अस G इज इक्वल टू gmem ओवर RE square। फॉर्मूला जो स्टोरी हमें ये बता रहा है, ये बता रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों बॉडीज के मासेस पे डिपेंड करेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिर्फ उस प्लेनेट के मास पे डिपेंड करेगी, और उसकी डिपेंडेंस स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर भी है। अब किन फॉर्मूलाज में जी यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास W का फॉर्मूला है mg, तो W इफेक्ट होगा इस g की वजह से। हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है t is equal to 2 pi square root l by g, टाइम पीरियड इफेक्ट होगा, f is equal to 1 over 2 pi square root g by l, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफेक्ट होगी। ये वेरियस फॉर्मूले हैं जिनमें g की वैल्यू एक इम्पैक्ट छोड़ती है टाइम पीरियड के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर या बॉडी के वेट के ऊपर, और ये तमाम वैल्यूज यानी वेट, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से चेंज होंगी। जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा जा सकता है कि एक बॉडी जो कि पोल पर है उसका वेट ज्यादा होगा या बॉडी इक्वेटर पर है तो उसका वेट ज्यादा होगा। तो अब हमें अगर ये पता हो कि बॉडी अर्थ का रेडियस जो है वो इक्वेटर पर ज्यादा है या पोल पर ज्यादा है तो हम बता सकेंगे वेट कहाँ पर ज्यादा है। इसी तरह अगर बॉडी स्पिनिंग कर, अगर अर्थ स्पिनिंग कर रही है तो क्या अर्थ का स्पिनिंग मोशन बॉडी के वेट को इफेक्ट करे? इसी तरह अगर आप कुछ हाइट h पर बॉडी को लेके जाते हैं या उसको कुछ डेप्थ x में लेके जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द अर्थ, आप किसी डेप्थ में गए या किसी हाइट पे गए तो क्या g की वैल्यू में चेंज आएगी, उसकी वजह से वेट इफेक्ट होगा? या इसी तरह अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को कुछ हाइट पे ले जाके टाइम पीरियड मेजर करें या कुछ डेप्थ में ले जाके टाइम पीरियड मेजर करें या इक्वेटर पे ले जाके टाइम पीरियड मेजर करें या पोल पे ले जाके टाइम पीरियड मेजर करें या स्पिनिंग अर्थ के लिए उसका टाइम पीरियड मेजर करें या नॉन स्पिनिंग अर्थ के लिए उसका टाइम पीरियड मेजर करें, तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे? जी इज सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी इक्वेशन। तो जी की जो वैल्यू है, द वेरिएशन इन जी, दिस डेल्टा, मैंने यहां पे डेल्टा यूज किया फॉर वेरिएशन इन जी, दिस वेरिएशन इन जी डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ। एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड एंड डेप्थ। तो ये जी की मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। हमारी स्टडी में जब भी हम थ्रू आउट टीच कर रहे हैं, वी आर बीइंग टॉट थ्रू आउट, हम ये कंसीडर करते हैं कि अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ अगर एक परफेक्ट स्फीयर है तो फिर उसका रेडियस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अर्थ अगर परफेक्ट स्फीयर ना हो, इट इज लाइक दिस, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा एलिप्टिकल कर दूं इन दिस शेप, तो इसकी वजह से इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट ये होगा कि आपके पास एक साइड पर रेडियस ज्यादा और दूसरी साइड पर रेडियस कम हो जाएगा। ये जो साइड्स हैं आपके पास, ये इक्वेटर्स हैं, दीज टू आर इक्वेटर्स एंड दीज टू साइड्स आर पोल, यानी वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटर्स हैं, नॉर्थ टू साउथ दो पोल्स हैं आपके पास। अब सवाल ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेटर पर ज्यादा होगी या पोल पर? क्लियरली नजर आ रहा है कि द इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस।
ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर देन, नॉट दैट मच, स्लाइटली ग्रेटर. कितना फर्क है? इक्वेटोरियल रेडियस इज इक्वल टू 21 किलोमीटर प्लस पोलर रेडियस. इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा है. हम जो टेक्स्ट बुक में रेडियस लेते हैं वो एवरेज रेडियस है 6400 किलोमीटर, दैट इज द एवरेज रेडियस. तो यहां पर जो हम रेडियस लेते हैं, एक्चुअल रेडियस अगर कंसीडर किए जाएं, तो फिर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से ज्यादा होगा. अब अगर इसका इंपैक्ट चेक किया जाए तो देखें, ग्रेविटी एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर एंड ग्रेविटी एट पोल विल बी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर. ठीक है, गौर से देखिए, इक्वेटोरियल रेडियस बड़ा है तो यहां पर ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एक्चुअली कम होगी, और पोलर रेडियस कम है जिसकी वजह से ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट पोल एज वेल एज ग्रेविटी एट द पोल्स विल बी ग्रेटर. हम यहां पे रिलेशन क्या लिखेंगे? दिस फैक्टर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर इज लेस देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं वेट की बात करूं तो फिर मैं यहां पे क्लियरली लिख सकता हूं कि द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी एट पोल्स. फ्रीक्वेंसी का जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम एट इक्वेटर इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट पोल्स. और क्योंकि टाइम पर इनवर्स रिलेशन है तो टाइम पीरियड एट इक्वेटर विल बी ग्रेटर देन टाइम पीरियड एट द पोल्स. तो देखें, अब आपके पास एक एमसीक्यू तो बजाते खुद ये है कि ग्रेविटी रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती है, फिर इक्वेटोरियल और पोलर रेडियस में क्या रिलेशन है, ये किससे कितना ज्यादा है, यानी इक्वेटोरियल रेडियस हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि पोलर रेडियस से ज्यादा है, इसीलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वेटर पर पोल्स के मुकाबले में कम हो जाती है. तो हमारा ये दूसरा एमसीक्यू बन जाएगा. इसीलिए ग्रेविटी, द वेट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटी, इक्वेटर पर कम और पोल्स पे ज्यादा होगी. इसीलिए फ्रीक्वेंसी के साथ भी यही होगा, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी ग्रेटर एट इक्वेटर्स देन एट पोल्स. तो ये इंपॉर्टेंट वेरिएशन. अच्छा, सेकंड वेरिएशन की तरफ आते हैं. इक्वेशन को अगर आप देखें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमें इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के स्पिनिंग मोशन पर डिपेंड करती है या नहीं करती, लेकिन लॉजिकली चेक करेंगे हम. अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं. अर्थ इज स्पिनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन इट्स अबाउट इट्स इक्वेटोरियल, इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन अबाउट पोलर एक्सिस. ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो अगर कोई बॉडी यहां पर, someone is standing over here, like you are standing over here, let's see what happens. आप यहाँ पे खड़े हैं तो gravitational force की वजह से you will be pulled inward. Equator पर जब आप खड़े, gravitational force, weight is the force with which earth attracts a body towards its center. तो gravitational force ये चाहेगी कि आप earth के center की तरफ आएं, लेकिन दरमियान में earth की surface है, तो आप वहीं static हो जाते हैं. क्योंकि earth spinning motion कर रही है, तो देखें anti-clockwise sense में यहां पर मौजूद बॉडी इट विल टेंड टू गो अलोंग द टेंजेंट, यहां पर मौजूद बॉडी इट विल टेंड टू गो अलोंग द टेंजेंट, यहां पर मौजूद बॉडी इट विल टेंड टू गो अलोंग द टेंजेंट. ये बॉडीज मूव करना चाहती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि इनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एग्जर्ट हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल भी एग्जर्ट हो रही है. तो दे टेंड टू बी थ्रोन इन अ डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कुलेंस. इसका मतलब इन बॉडीज के ऊपर कौन सी फोर्स मजीद एक्ट कर रही है? अगर मैं यहां पर सिंप्लीफाई करूं डायग्राम को, तो इसी बॉडी के ऊपर एक और फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही है, एफसी से इंडिकेट कर देते हैं उसे. तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी, द नेट फोर्स इट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स इज स्ट्रांग, इसीलिए बॉडी स्टिक है. तो मैं लिखता हूं एफ जी माइनस एफ सी. ये बात मैं रिपीट करूंगा कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट पर इस वाई पर नेट फोर्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूंगा, ग्रेविटी इसको अंदर बुलाना चाहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहती है कि ये आउटवर्ड चला जाए.
क्योंकि ये अर्थ की सरफेस के साथ स्टिक है, तो मुझे पता चला कि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए नेट फोर्स विल बी एफ जी माइनस एफ सी। ये नेट फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी ही है, तो मैं इसको लिख देता हूं एम जी प्राइम इज इक्वल, बल्कि मैं इसको लिख देता हूं एम जी ई, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर इज इक्वल एफ जी व्हिच इज एम जी माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है, प्रीवियस लेक्चर से मैं इसको टीच कर चुका हूं आप लोगों को। तो एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर भी होती और एम आर ई स्क्वायर ओमेगा भी होती है। अगर आप इस एक्सप्रेशन से एम की वैल्यू कैलकुलेट करें कॉमन लें तो एम जी ई इज इक्वल टू एम जी माइनस आर ई स्क्वायर ओमेगा, सॉरी इट इज जी माइनस आर ई स्क्वायर ओमेगा। सो m और m को कैंसिल कर देंगे, we get the value of gravity at equator equal to g minus r e square omega। एक तो पहले ही r e बढ़ा, फिर omega, omega is the angular speed of the earth, angular speed of rotation of the earth, अपने एक्सिस से गेंद रोटेट कर रही है, तो earth की angular velocity है, और हम इसे calculate भी कर चुके हैं, earth की angular velocity of rotation जो है, वो है pi by 12 radian per hour। पाई बाय 12 रेडियन पर आर, अब आपको रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है और पाई बाय 12 रेडियन पर आर को आप रेडियन पर सेकंड में पुट में कन्वर्ट करके इधर पुट करें कैलकुलेशन, जी की वैल्यू 9.8। अब फर्स्ट करें हमारे पास जी की वैल्यू एवरेज वैल्यू 9.8 है, माइनस यहां से जो रिजल्ट आया वो 0.1 है, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी 9.7। तो देखिए इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 9.7 है, इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ। अगर ओमेगा यहां पर ना होता, फर्स्ट तो ओमेगा जीरो कर दिया जाए तो 0 इनटू एनीथिंग बिकम 0 एंड जी इज इक्वल टू जी, तो नतीजा क्या होगा, इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की स्पिनिंग स्पीड पर भी डिपेंड करती है। अब अगर ओमेगा ज्यादा हो तो ये फैक्टर 0.1 से 0.2 हो जाएगा और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मजीद कम हो जाएगी 9.6 हो जाएगी। तो जितना ओमेगा ज्यादा होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम होगा, जितना ओमेगा कम होगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। इस वेरिएशन को मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि ग्रेविटी एट इक्वेटर विल इंक्रीज इफ ओमेगा डिक्रीजेस एंड ग्रेविटी एट इक्वेटर विल डिक्रीज इफ द ओमेगा इंक्रीजेस, यानी अर्थ के स्पिनिंग मोशन की स्पीड अगर बढ़ती है तो इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू फर्दर कम होगी क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर ज्यादा होगा, तो इट विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, बॉडी लूज हो जाएगी, उसकी अर्थ की ग्रिप उस बॉडी पर कम हो जाएगी। अच्छा इन अ सिचुएशन वेयर ओमेगा इज जीरो इफ अर्थ स्टॉप्स स्पिनिंग, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर अर्थ स्पिनिंग स्टॉप कर दे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा। अब अगर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखें, अर्थ अगर स्पिनिंग स्टॉप कर दे तो यहां पर तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं लिखा हुआ जो हमें ये बताए कि जी की वैल्यू पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सोचते हैं ये तो वैसे ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ वैसे ही कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ वैसे ही कांस्टेंट है, तो क्योंकि ये तमाम चीजें कांस्टेंट्स हैं तो अर्थ के स्पिनिंग मोशन की वजह से इनमें से किसी ने चेंज नहीं होना, जब इनमें से किसी ने चेंज नहीं होना तो स्टूडेंट कहते हैं जी द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। हालांकि यहां पे हम देख रहे हैं, मैंने आपको लॉजिकली प्रूफ करके दिया कि द स्पिनिंग मोशन इफ इट अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कम हो तो इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर ज्यादा हो तो वीक होगी, और अगर अर्थ स्पिनिंग स्टॉप कर दे तो फिर GE will be equal to G, ये वैल्यू 9.8 के बराबर हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जो करंटली मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वो 9.8 है, 50-60 किलोमीटर तक हम उसे यही अज्यूम करते हैं अर्थ के रेडियस के बाद। अच्छा, पोल्स के ऊपर अगर बॉडी हो तो द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर ओनली, ओमेगा इफेक्ट्स जीई बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ, क्योंकि जो बॉडी देखिए पोल्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, तो जो बॉडी पोल्स के ऊपर होगी तो
वो बॉडी सेंटर पर है, उस बॉडी के ऊपर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, तो उसके ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप यहां पे नोट करें तो ये फैक्टर कौन सा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फैक्टर है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फैक्टर उन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जो सेंटर से दूर हो। जो बॉडी सेंटर पे आ जाती है ना ही उसके ऊपर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी ना ही उसके ऊपर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इस अर्थ के स्प्रिंग मोशन इक्वेटर पर ग्रेविटी को या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को इफेक्ट करेगा, लेकिन लेकिन अर्थ का स्पिनिंग मोशन पोल्स पे नहीं इफेक्ट कर सकता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। अच्छा, फर्दर आपके पास एल्टीट्यूड के साथ और डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन आ रही है। एल्टीट्यूड को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे और डेप्थ को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो जी एच इज इक्वल टू जी ओवर 1 प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर, और अगर आप डेप्थ के साथ कैलकुलेट करना चाहें तो जी एक्स इज इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स बाय आर ई। अब यहां पे आप क्या देखें, आप अगर h को बढ़ाएंगे तो एज अ होल ये फैक्टर इंक्रीज होगा, और अगर ये फैक्टर इंक्रीज होगा तो g की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर आप डेप्थ में जाएंगे x की वैल्यू बढ़ाएंगे, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये तो कांस्टेंट है, आपके पास ये फैक्टर मजीद छोटा होगा। जब ये छोटा होगा आप छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट और भी कम हो जाएगा, तो डेप्थ के साथ भी g की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आप इन वेरिएशन के सिर्फ फार्मूलाज याद रखें, और ये याद रखें कि चाहे आप कुछ हाइट h पे चले जाएं या कुछ डेप्थ x में चले जाएं, लाइक डायग्राम में अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो देखें ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और आप कुछ हाइट h पे चले गए, हाइट h पे चले गए तो आपका आपके सेंटर से फासला बढ़ गया तब भी g की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर आप कुछ डेप्थ x में आ गए तो ये रिमेनिंग फासला कितना होगा, ये रिमेनिंग फासला होगा आर ई माइनस एक्स, तब भी आपके पास जी की वैल्यू डिक्रीज की होगी। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी, इसको फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर 7 में फर्दर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।